मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आज आप लोग को हैंड स्केचिंग करना सिखाऊंगी, हैंड को कैसे स्केच करना है। तो ये HB पेंसिल है, नॉर्मल शेडिंग पेंसिल है, कुछ प्रोफेशनल वाइज नहीं है। इस पेंसिल से हम लोग को पहले शैडो वाला इफ़ेक्ट देना है जिस एरिया पे हमें डार्क चाहिए, क्योंकि राइट साइड से हम लोग लाइट वाला वो इमेज बना रहे हैं। आपको फेस में भी दिख रहा है कि लाइट राइट साइड से आ रही है, तो इस एरिया को हम लोग को लाइट रखना है और लेफ़्ट एरिया को हम लोग को डार्क रखना है। तो हम लोग फिंगर्स के बीच में जो गैप्स आते हैं वहाँ पे डार्क कलर करेंगे, थोड़ा सा डीप करेंगे पेंसिल को और फिंगर्स के फोल्ड को क्रिएट करेंगे इस पेंसिल से। और उसके बाद फिर हम लोग ब्लेंड करने वाला जो ब्रश होता है, नॉर्मल मेकअप ब्रश है, कोई एक्स्ट्रा एडवांस वाला ब्रश नहीं है, प्रोफेशनल टाइप का नॉर्मल ब्रश है, इससे हम लोग को ब्लेंड करना है। ये ब्लेंडिंग वाला पार्ट इसलिए करते हैं क्योंकि एक स्मूथ फिनिश आने के लिए। अगर हम लोग विदाउट ब्लेंडिंग करके करेंगे तो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। अब ये 2B पेंसिल है, 2B पेंसिल से उस एरिया को डार्क करना है जहाँ पे हम लोग को डार्क वाला इफेक्ट चाहिए, जैसे कि फिंगर्स के बीच में वापस से और हैंड्स के नीचे जहाँ पे मतलब शैडो आता है, और इससे जो जो हैंड्स पे मार्क होते हैं किसी किसी का, तो ये मैम के हाथ में मार्क्स था। ये मुझे ऐसे कमीशन वर्क मिला है, मैं अपने मन से नहीं कर रही हूँ तो मैं इसको कर रही हूँ। अब जो बैंगल्स हैं हाथ में उनके नीचे जो शैडो आया है, वो शैडो को हम लोग ये 2B पेंसिल से क्रिएट करेंगे। और अब ये इरेजर पेंसिल है, इरेजर पेंसिल से हम लोग एक्स्ट्रा एक्सेस को इरेज करेंगे, और जहाँ जहाँ पे हम लोग को लाइट नहीं चाहिए वहाँ पे वो इरेजर का मैं यूज़ करती हूँ। ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, नॉर्मल है, मतलब 50 to 60 rupees के अंदर वो आपको इरेजर पेंसिल मिल जाएगा। और थोड़ा हम लोग को वो एरिया को इन्हेंस करेंगे जहाँ जहाँ पे हम लोग को डार्क चाहिए, जिससे मतलब थोड़ा अच्छा इफेक्ट आए। आप वापस से फिर ब्लेंड करेंगे, क्योंकि ब्लेंड करने से वो अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं से मैंने ऊपर से किया है। तो फिर वापस बैंगल्स को अब हम लोग क्लीन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी लग गया था पेंसिल का कलर। अब हम लोग वापस से क्लीन करके अब उसको बॉर्डर को अच्छे से डार्क करेंगे, और ये हमारा एक हाथ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरे हैंड पे स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है ना, वो नीचे शैडो का इफ़ेक्ट क्या है, तो नीचे वाला जो जगह है वो वाला जगह पे थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर होगा। मैं आपको कंप्लीट करके ये वाला दिखाती हूँ। ये वाला का पूरा वीडियो नहीं दूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर बोरिंग लगेगा, आपको कुछ बेनिफिट नहीं दिखेगा। पहले मैं आपको ये शैडो वाला इफ़ेक्ट दिखा देती हूँ, कहाँ कहाँ पे शैड हो गया है, कहाँ कहाँ पे ब्लैक करना है। अब सबका हाथ का अलग अलग होता है, बट लेकिन फिंगर्स के जो फोल्ड होते हैं वो सेम होते हैं। किसी का नेल्स अलग होता है, तो किसी का फिंगर का साइज़ अलग होता है, शेप अलग होता है, थोड़ा लंबा होता है। तो इनका हाथ थोड़ा गोल मटोल टाइप का था। अब ये वाला हाथ मेरे को कम्प्लीट हो गया है, और इरेजर पेंसिल वापस हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये पेंसिल मुझे यूज़ करना बहुत पसंद है क्योंकि ये थोड़ा रियलिस्टिक टाइप का इफ़ेक्ट देता है हमारे ड्राइंग में। जहाँ जहाँ पे हम लोग को लाइट एरिया चाहिए, जैसे कि शैडो की तरफ, मतलब लाइट जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम लोग ये इरेजर पेंसिल का यूज़ करेंगे इफ़ेक्ट देने के लिए। सो वापस से फिर हम लोग उसको ब्लेंड करेंगे, और जहाँ जहाँ पे इफ़ेक्ट देना है वो पहले मैं दे देती हूँ ये कंप्लीट करने के बाद। अब ब्लेंड करना है जहाँ जहाँ पे हमें ब्लेंडिंग वाला इफ़ेक्ट चाहिए। अगर आप लोग को मेरा वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर देना, और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे और भी वीडियो बनाती रहूँगी। अगर आपको अपना खुद का स्केच बनवाना हो तो मुझे मैसेज करना या फिर मुझे कमेंट करना। थैंक यू।